नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो साथी दोस्तों अभी तक पेड ग्रुप में नहीं आए, दोस्तों आ जाइए, आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा आपके नेवी चार्ज बैन के एग्जाम को लेकर के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते दोस्तों आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए साथी, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड ऑप्शन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड बताना, एन अंडर ग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन। दोस्तों यानी ऐसा प्लेस दोस्तों जहां पर क्या किया जाता है, वाइन को स्टोर किया जाता है। दोस्तों ऐसा प्लेस दोस्तों जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वाइन को स्टोर करते हैं। दोस्तों यानी क्या होता है दोस्तों, सेलर, सेलर का मतलब दोस्तों क्या होता है, शराब रखने का तहखाना। दोस्तों यानी एन अंडरग्राउंड प्लेस स्टोर द वाइन। दोस्तों यानी ऐसा प्लेस दोस्तों जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वाइन को दोस्तों क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, वाइन को दोस्तों रखते हैं, ठीक है ना। यानी आपका दोस्तों क्या होता है, सेलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लोफ्ट। लोफ्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, मचान। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों गांव वगैरह में दोस्तों फसलों को बचाने के लिए दोस्तों क्या किसान क्या करते हैं, खेतों में एक बड़ा मचान बना के रखते हैं। दोस्तों एक तखत जैसा होता है दोस्तों, एकदम ऊपर होता है। दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, मचान बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, मचान, जहां पर दोस्तों जानवरों से क्या करते हैं दोस्तों, किसान अपने आप को बचाते दोस्तों, और वहां से दोस्तों जो जानवर होते हैं दोस्तों उनसे बचते हैं, यानी क्या करते हैं, अपने फसलों को बचाने का काम करते हैं। देखिए अटिक दोस्तों, अटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखेंगे अटिक का मतलब मेरे साथी क्या होता है आपका, अटिक का दोस्तों होता है अटारी। दोस्तों क्या होता है, अटारी, यानी दोस्तों ऐसा प्लेस, ऐसा रूम दोस्तों जो इनसाइड द रूफ हो दोस्तों, या बिल्डिंग के दोस्तों एकदम बाहर हो, नीचे दोस्तों आपका, नीचे क्या होता है दोस्तों, नीचे का मतलब दोस्तों पाला है दोस्तों, पना झरोखा। दोस्तों का पाना मतलब दोस्तों झरोखा या पाना, जैसे इसको लिख सकते हैं दोस्तों पाना, या दोस्तों क्या लिख सकते हैं, झरोखा, क्या रख सकते हैं दोस्तों, झरोखा। अब देखिए ब्लेम का मतलब दोस्तों किसी को वो देना, क्या कहता है, किसी को ब्लेम करना दोस्तों, किसी के ऊपर आरोप लगाना दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, दोस्तों सेलर हमारा हो जाएगा। एनी एन अनग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, यानी दोस्तों ऐसा प्लेस दोस्तों जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वाइन को स्टोर करके रखते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को चीज़ एकदम बेहतर तरीके से आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हो, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड को दोस्तों आपको यहां पर दिया है, इसको दोस्तों देख करके यहां पर फिल इन द ब्लैंक करना। देखिए, आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पार्टी। दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको पार्टी के बारे में दोस्तों क्या करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा। दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ओप्स। दोस्तों क्या होगा, ओप्स, आई फॉरगॉट इन्फॉर्म टू अबाउट द पार्टी। इसको क्या बोला कि मैं दोस्तों भूल गया आपको पार्टी के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। ओह, जैसे दोस्तों क्या हमारा एक एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं, अरे ओह, इस तरीके की जो वर्ड दोस्तों क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, जिसको दोस्तों हम लोग करते हैं किसी आश्चर्य की चीजों के लिए, जैसे कोई अचानक कोई बात कहनी, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यानी आपका क्या होगा, ऑप्स दोस्तों हमारा सबसे अच्छा दोस्तों, सबसे उपयुक्त इंटरजेक्शन हमारा सबसे अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी साथ इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों आपका दिया है एग्नॉय। दोस्तों एग्नॉय का मतलब क्या होता है, दोस्तों एग्नॉय का मतलब होता है दोस्तों पीड़ा देना, यातना देना। क्या होता है दोस्तों, पीड़ा या फिर यातना देना, एग्नॉय का मतलब दोस्तों पीड़ा फिर यातना देना। इसका दोस्तों अगर हम लोग बात करें, आपसे पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा दोस्तों, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी किसी की दोस्तों क्या करना, किसी को दोस्तों हेल्प करना, किसी को रिस्क से बाहर निकालना। दोस्तों आपका बताइएगा, आप लोग यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग देखो, सबसे अप्रोप्रिएट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट यानी दुखी का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, पैन। दोस्तों पैन का मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी एग्नॉय मतलब दोस्तों पीड़ा या फिर यातना सहना, एग्नॉय का मतलब क्या होता है, पीड़ा या फिर यातना सहना। दोस्तों यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैन। दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा यानी पेन मतलब दोस्तों आपको दर्द या पीड़ा होगा, हेल्प मतलब दोस्तों किससे आता है, रिस्क मतलब दोस्तों रिस्क ही होता, आपको जानते ही हो कि कोई कोई मतलब दुर्घटना चीज़ों को लेकर रिस्क लेकर के कोई काम करना, आपने जानता दोस्तों कोई चीज़ को, यानी जिसमें दोस्तों क्या हो, रिस्क लेकर के हम लोग कोई काम कर, ब्लेम मतलब दोस्तों किसी को आरोपित करना, ठीक है। यानी आप लोग यहाँ पर समझ गए क्या होगा दोस्तों, पेन दोस्तों आपका सबसे अप्रोप्रिएट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए यहाँ पर साथी आपको क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों आपको दिया है डिजेक्टेड। दोस्तों डिजेक्टेड का मतलब साथी क्या होता है, डिजेक्टेड मतलब फिर क्या होता है, दुखी। यानी डिजेक्टेड मतलब भी साथी क्या होता है, दुखी होना या दुखी। दोस्तों डिजेक्टेड मतलब भी क्या होता है, दुखी या दुखी होना। दोस्तों डिप्रेस्ड मतलब देखिए आपको बता दें, डिप्रेस्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है, डिप्रेस्ड का मतलब तो हताश या दुखी, हताश या फिर दुखी। दोस्तों अगर बात करें तो कंसीटेड, दोस्तों कंसाइडेड मतलब दोस्तों क्या होता है, साइडेड का मतलब दोस्तों क्या होता है,
अगर आप देखोगे अभिमानी होना दोस्तों, क्या होना, अभिमानी होना, ठीक है। अप्रूव्ड मतलब दोस्तों किसी को क्या कर देना, अप्रूव कर देना, किसी को सहमति दे देना। पोस्टपोन मतलब दोस्तों क्या होता है, स्थगित कर देना, ठीक है, स्थगित कर देना। आप लोगों के एग्जाम वगैरह कभी कभी पोस्टपोन होते रहते, आप इसको जानते होंगे नहीं दोस्तों। हमारा क्या हो जाएगा सबसे अप्रोप्रिएट, दुखी का दोस्तों क्या हो जाएगा, सिर्फ हताश यानी डिप्रेस दोस्तों हमारा सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर हमारा एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी साथी इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर साथी क्या दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे दीज डेट्स आर फ्रॉम दुबई इसेंट इट, दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आपको बताना है दोस्तों मेन कॉज में। दोस्तों आप देखोगे आपका जो क्वेश्चन टैग दोस्तों क्या है, दोस्तों आपका क्वेश्चन टैग दोस्तों क्या है, निगेटिव है, क्या दोस्तों निगेटिव। इसका दोस्तों मेन कॉज क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका मेन क्या है क्वेश्चन टैग दोस्तों इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। आप बताइएगा इसका क्या हो दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, अरेंट दे दोस्तों, अरेंट दे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इजेंट दे के प्लेस दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, अरेंट दे हो जाएगा, आर नॉट दे हो जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा दोस्तों। आप इसको जानते हो, इसके रूल को दोस्तों मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ भी हो दोस्तों, आप लोग इसके वीडियो को जाकर के खुद से चैनल पर देख सकते हो, मैं दोस्तों इंग्लिश में इसको पढ़ा रखा, आप लोग भी जाकर के एक बार देख लो, जिसको भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो वो जाकर के देख सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको और आगे दोस्तों कुछ टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ जो दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड को क्या करना, फिल करना। ही वॉज टू 6 months इम्प्रोजमेंट फॉर द स्टीलिंग, दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या सबसे अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन दोस्तों। अगर बात करूँगा मैं आपसे यहाँ पर, अगर आप लोग दोस्तों देखोगे समझने का प्रयास करोगे दोस्तों आपको क्या दिया हुआ, सबसे पहले दोस्तों देखिए कंडम्ड, मतलब दोस्तों कंडम्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों अर्थ होता है अपराधी ठहराना, या इम्प्रोजमेंट मतलब भी दोस्तों क्या होता है, इम्प्रोज मतलब किसी को दोस्तों इम्प्रोज कर दिया गया, किसी को बता दिया गया ये ऐसा इसने किया, यानी अपराधी ठहराना दोस्तों। यानी कन्फर्म्ड मतलब दोस्तों यानी कोई चीज़ एकदम कन्फर्म हो चुकी है। कन्विक्टेड मतलब दोस्तों किसी को दोषी ठहरा देना। कनेक्टेड मतलब दोस्तों किसी से कनेक्ट होना दोस्तों, यानी किसी को कॉन्टैक्ट कर देना, ठीक है। इसको हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कंडेम्ड, मतलब दोस्तों क्या किया, इसको कंडेम्ड किया गया दोस्तों 6 months के बाद दोस्तों, कि उसने जो है इम्पोजमेंट किया था किसी चीज़ को, स्टीलिंग के लिए इम्पोज किया गया था, जिसके लिए जिसके लिए उसको अपराधी ठहराया गया था उसके बारे में, ठीक है। यानी सबसे क्या हो जाएगा, द प्रिजनर दोस्तों, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊँ, द प्रिजनर कंडिक्टेड या कन्विक्टेड टू द डेथ एंड रिपर्ड टू फिल द ईयर्स दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है, कई समय के बाद दोस्तों उसको जो कंडिक्ट किया गया था उससे उसको हटाया गया। मैंने एक अलग सेंटेंस आपको बता के यहाँ पर बता दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज टू 6 months इम्प्रोजमेंट फॉर स्टीलिंग दोस्तों, यानी क्या हो गया, कंडेम्प्टेड किया गया, उसको अपराधी ठहराया गया दोस्तों 6 महीने के बाद, ये चीज़ हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और सब्स्टिट्यूट टू द गिवन वर्ड ऑफ द लैक ऑफ फीलिंग, दोस्तों आपको क्या दिया है, लैक ऑफ फीलिंग। देखिए आपका दोस्तों अगर बात करें लैक ऑफ फीलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, लैक ऑफ फीलिंग का मतलब दोस्तों आपका जो फीलिंग है दोस्तों उसका छूट जाना, उसका हो जाना दोस्तों। अब देखिए इम्पैथी मतलब दोस्तों, इम्पैथी मतलब दोस्तों क्या होता है, सहानुभूति, क्या होता है दोस्तों, सहानुभूति। लैक ऑफ फीलिंग दोस्तों मतलब क्या होता है, यानी सहानुभूति दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, यानी उसके बाद दोस्तों बात करें एपथी दोस्तों, एपथी का मतलब दोस्तों क्या होता है, एपथी का मतलब होता है उदासीनता दोस्तों, एपथी मतलब क्या होता है, उदासीनता, ध्यान रखिएगा साथी सभी लोग, ठीक है। टेलीपैथी मतलब दोस्तों क्या होता है, टेलीपैथी का मतलब होता है दोस्तों परस्पर भाव होना दोस्तों, क्या होना, परस्पर भाव होना, जैसे उसके भाव दोस्तों उससे भाव मेरा भी हो, ठीक है। चलिए सिंपैथी मतलब दोस्तों क्या करना, किसी से संवेदना व्यक्त करना, किसी से सहानुभूति व्यक्त करना दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या जाएगा, लैक ऑफ फीलिंग का मतलब दोस्तों होता क्या है, यानी आपका जो फीलिंग है दोस्तों उसका आपका क्या होगा, फीलिंग आपकी ठीक ठाक है, मतलब जैसे ना दोस्तों आप बहुत सैड रहते हो ना बहुत ज्यादा आप अच्छे रहते हो, बीच में आप हो, इसको कहते हैं दोस्तों आप ऐसे मतलब उदासीन हो किसी चीज को लेकर, उदासीन आपकी फीलिंग है उसको बोलते हैं दोस्तों आपका लैक ऑफ फीलिंग मतलब अपैथी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी साथी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पर आपको क्या दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नीड नो सब्स्टिट्यूशन टू नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आई रीच द ऑफिस बिफोर टाइम, आई वेंट टू कंप्लीटेड सम पेंडिंग जॉब्स। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है, साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको देखोगे पास्ट एक्शन, आई वांट टू कंप्लीट, यहाँ पर क्या किया गया है, पास्ट एक्शन की बात है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, अगर पास्ट के आई वॉन्टेड टू कंप्लीट ना हो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर मेरे साथ ही यूज होगा आपका सबसे अप्रोप्रिएट, मैं बता दूँ यहाँ पर आपका एरर कहाँ पर है, यानी आपको इरर है दोस्तों आई वांट टू कंप्लीट। अब देखिए आप पहले समझ लीजिए दोस्तों क्या होता है, 2+V1 दोस्तों आपका क्या होता है, 2+V1 दोस्तों आपका मतलब क्या हो गया, दोस्तों हमेशा 2 के बाद दोस्तों आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी 2+ यानी दोस्तों क्या होता है, ये आपका इन्फिनेटिव होता है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका कंप्लीट है दोस्तों, यह कंप्लीट ना होकर के दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो।
यानी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वांटेड टू कंप्लीट सबसे अप्रोप्रिएट है, वांट्स टू भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सभी साथी इसको समझ गए, टू के बाद दोस्तों आपकी हमेशा भर की फर्स्ट फॉर्म आती है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते क्वेश्चन नंबर 9th। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में साथी आपको क्या दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम दोस्तों। पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी चीज़ को स्थगित कर देना। क्या होना दोस्तों, किसी चीज़ को स्थगित कर देना, क्या कर देना, स्थगित करना, या किसी चीज़ को दोस्तों स्थगित कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यानी इसी को बोलते हैं दोस्तों टालना। क्या होता है, टालना दोस्तों, टू वियर, टू डिले, टू कीप, टू सजेस्ट। दोस्तों आप बताइएगा इसका मतलब हो जाएगा, पुल ऑफ का मतलब हो जाएगा दोस्तों क्या, टू डिले दोस्तों, किसी चीज़ को दोस्तों टाल देना, किसी चीज़ को हटा देना। उम्मीद करते हैं सभी साथी इसको अच्छे से समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 10th नंबर। देखिए यहाँ पर साथी क्या दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन दोस्तों। आपका दिया है शैलो दोस्तों, शैलो का मतलब क्या होता है साथी, शैलो का मतलब दोस्तों होता है छिछला या फिर उथला। क्या होता है दोस्तों, छिछला यानी दोस्तों जो है, या फिर दोस्तों उथला, इसी को दोस्तों बोलते हैं उथला दोस्तों, जो क्या हो, बहुत कम गहरा हो दोस्तों, छिछला बर्तन हो जैसे बोलते हैं, वाइड, डीप, नियर, लॉन्ग दोस्तों। इसका एंटोनिम बताना दोस्तों, छिछला का क्या हो जाएगा दोस्तों, डीप, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, जो बहुत गहराई तक हो, जो डीप हो दोस्तों हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी दोस्तों यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से राइट है। उम्मीद करते हैं सभी साथी इसको एकदम अच्छे तरीके से समझ गए दोस्तों। आप अपने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको करवाता रहूँगा आगे भी। अगर आप लोग दोस्तों इस तरीके से इसको करते रहोगे, आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों, आपके नेवी चार्जमेंट के एग्जाम इससे बाहर कुछ जाएंगे नहीं, आप अच्छे से करते रहो दोस्तों। आज वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।